श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आरती के बाद कर्पूर गौरव मंत्र क्यों पढ़ते हैं। किसी भी मंदिर में या हमारे घर में जब भी पूजन कर्म होता है तो वहां कुछ मंत्रों का जाप अनिवार्य रूप से किया जाता है। सभी देवी देवताओं के मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन जब भी आरती पूर्ण होती है तो मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मैं वापस बोलता हूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र का अर्थ है, इस मंत्र से शिव जी की स्तुति की जाती है। इसका जो अर्थ है मैं आपको बताता हूं, कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम, करुणा के जो साक्षात अवतार हैं, करुणा के जो साक्षात देवता हैं, संसार सारम, समस्त दृष्टि के जो सार हैं, भुजेन्द्र हारम, इस शब्द का अर्थ है सांप को हार के रूप में धारण करने वाले, सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं उनको मेरा नमन है। तो मंत्र का जो पूरा अर्थ है वो है कि जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। अभी सबसे बड़ी बात यह है और आपको जानने लायक बात यह है कि इसी मंत्र को हम आखिर में क्यों पढ़ते हैं। किसी भी देवता की आरती के बाद कर्पूर गौरम करुणावतारम मंत्र ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे बहुत गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान शिव की स्तुति शिव पार्वती विवाह के समय विष्णु द्वारा गाई हुई मानी गई है। अमूमन यह माना जाता है कि शिव शमशान वासी हैं, उनका स्वरूप बहुत भयंकर और अघोरी वाला है, लेकिन यह स्तुति बताती है कि उनका स्वरूप तो बहुत दिव्य है। शिव को सृष्टि का अधिपति माना गया है, वे मृत्यु लोक के देवता हैं, उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। पशुपति का अर्थ है संसार के जितने भी जीव मनुष्य सहित उन सब के अधिपति। ये स्तुति इसी कारण से गाई जाती है कि जो इस समस्त संसार का अधिपति है वे हमारे मन में वास करें। शिव शमशान वासी है जो मृत्यु के भय को दूर करते हैं, हमारे मन में सिर्फ वास करें और मृत्यु का भय दूर। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।